चैनल इंडियन रेसिपीज बाय मीरा गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिक्स वेजिटेबल उत्पम बनाएंगे। मिक्स वेज उत्पम मिली हुई सब्जियों से बनाया जाता है। इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। चावल और उड़द का हमने बैटर तैयार किया है। ये हमने 2.5 कप लिया हुआ है 3-4 लोगों के लिए। नमक है, मीठा सोडा है, इसमें डालेंगे। धनिया हरा है, आधा पाव। बीन्स लिए हमने बारीक कटी हुई है। शिमला मिर्च एक ली है बारीक कटी हुई है। बंद गोभी ली है बारीक काट ली है। एक टमाटर बारीक काटा हुआ है, इसके हमने बीज भी काफ़ी निकाल दिए। एक प्याज ली है जो हमने बारीक काटी हुई है। अगर प्याज नहीं खाते हैं तो न डालें। कड़ी पत्ता लिया है 20-25। लाल मिर्च स्वाद के लिए लिया है। अदरक लिया है कद्दूकस करा हुआ है 1 इंच के अलावा। 2 मिर्च हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। 1 चम्मच राई ली है छौंक के लिए। रिफाइंड तेल सेकने के लिए लिया हुआ है। अब हम बैटर में नमक मिलाएंगे। बैटर में हम 1/2 चम्मच नमक मिलाएंगे सब्जी के अनुसार। और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा मिला देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। अब इन सब्जियों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल। हरी मिर्च कम खाए तो कम भी कर सकते हैं बच्चों के हिसाब से। इसको मिक्स कर देंगे। हरा धनिया थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। थोड़ा धनिया ऊपर से ऊपर डाल देंगे। इसमें नमक नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये नमक का पानी छोड़ जाएगा। फिर अब हम इसमें छौंक लगाएंगे। हमने गैस जला दी है, छौंक के लिए चमचा रखा हुआ है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल ज्यादा नहीं डालना है, 2-3 चम्मच ही डालना है। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई डाल देंगे। गर्म हो गया है, हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसे चारों ओर फैला देंगे। उत्तम का घोल हम 2-3 चम्मच इसमें डालेंगे क्योंकि ये मोटा फैलता है। इसके ऊपर हम सब्जी एक बराबर फैला देंगे। हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे सब्जी के हिसाब से। थोड़ी लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम चारों ओर इसमें थोड़ा रिफाइंड तेल डालेंगे और 2 चम्मच इसके ऊपर डालेंगे जिससे सब्जी पक जाए। सब्जियों को हम थोड़ा
इससे दबा देंगे धीरे धीरे हाथ से, जिससे वो अंदर चिपक जाए। गैस को हम मीडियम रखेंगे जिससे कि नीचे से जले नहीं। नीचे हमें ब्राउन होने तक सेकना है। हमारा नीचे से सिक गया है, हम इसे पलट देंगे। पलट कर भी हम हल्का ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब हम पलटेंगे, थोड़ा नीचे और करारा होने देंगे। अब हमारा उत्तम सिक गया है, अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे सिक लेंगे। बन के तैयार हो गया है। इसे मूंगफली की चटनी, हरी चटनी, सॉस और सांभर के संग सर्व कीजिए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।